नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि काइंड्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। आज के वीडियो में हम देखेंगे रूल्स ऑफ नाउन। जैसा कि आप सबको पता है कि जो नाउन है ये बहुत ही बेसिक चीज है, बेसिक टॉपिक है, और इस बेसिक टॉपिक से अपन बहुत ही आगे तक जा सकते हैं। तो पहला जो आपका रूल है वो है कुछ नाउन का यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, मतलब कि हमेशा बहुवचन ही होते हैं। जैसे सीजर्स, अब अपन इसको सीजर्स ना बुला के सीजर बुलाते हैं बहुत सारे लोग। सीजर मतलब कैची होता है, लेकिन इसका सही प्रोनंसिएशन और सही है सीजर्स। नेक्स्ट है ट्राउजर्स। ट्राउजर्स को हम लोग पैंट बुलाते हैं, लेकिन ये पैंट नहीं, पैंट्स होता है, हमेशा इसमें एस लगता है। अपन शॉप जाते हैं तो अपन उसको बोलते हैं जीन्स देना। अब कुछ लोग जीन तो नहीं बोल सकते, हमेशा अपन क्या बोलते हैं जीन्स, तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। नेक्स्ट है स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स और सनग्लासेस। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि स्पेक्टेकल्स किसको बोलते हैं, गॉगल्स किसको बोलते हैं और सनग्लासेस किसको बोलते हैं। जितने भी नजर के चश्मे होते हैं उन सबको कहा जाता है स्पेक्टेकल्स। अब पूरा स्पेक्टेकल्स बोला नहीं जाता तो स्पेक्स कर देते हैं सिर्फ ऊपर। सेकेंड है गॉगल्स। गॉगल्स जो है फैशनेबल होते हैं, जो फिल्म स्टार्स और सारे के सारे क्रिकेटर्स और सब पहनते हैं उसको कहा जाता है गॉगल्स। और लास्ट है सनग्लासेस। धूप से बचने के लिए जितने भी चश्मे पहने जाते हैं उनको कहा जाता है सनग्लासेस, लेकिन जो नजर के चश्मे हैं वो सिर्फ क्या कहा जाता है स्पेक्टेकल्स। और लास्ट है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का मतलब है दूरबीन। अब ऐसे मैंने दो एग्जांपल्स दिए, इसमें आपको पुट करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वेयर डैश माय जीन्स। अब चाहे कोई भी हो, अपने जो चलन आ रहा है वेयर इज माय जीन्स ही बोलेंगे, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, वेयर आर माय जीन्स। यही इस रूल का मेन पार्ट है। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, मतलब कि हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट, सीजर्स डैश यूज्ड टू कट पेपर। अब आपने सबने सोच लिया होगा कि यहाँ पे आर आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आर ही आएगा। फर्स्ट रूल जो अपन ने किया था उसमें था कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये जो सेकेंड रूल है इसमें है कि सारे के सारे जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे फर्स्ट है सीनरी, अब इसको सीनरी नहीं क्या बोलते हैं, सीनरी। सेकंड है फर्नीचर। थर्ड है पोएट्री, कविता मतलब, एडवाइस सलाह, इंफॉर्मेशन। लगेज बैगेज, वर्क एंड मनी, ये सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म भी है और सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन भी है, मतलब इनको काउंट नहीं कर सकते। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, लगेज और बैगेज में क्या फर्क है। तो लगेज जो होता है वो हाथ में पकड़ सकते हैं, वो सामान जो हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे ब्रीफ केस हो गया, अटैची हो गई। बैगेज जो शोल्डर पे लगाते हैं, मतलब कंधे पे लगाते हैं, उसको कहते हैं बैगेज। फिर दो मैंने एक आपको एग्जांपल्स दिए हैं, उसमें आपको फिलअप पर करना है पहले में तो, और सेकंड के अंदर एरर स्पॉट करना है। फर्स्ट है द सीनरी ऑफ कश्मीर। आर ब्यूटीफुल होगा या इज ब्यूटीफुल होगा, जैसा कि मैंने कहा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय हैज रिटन मेनी पोएट्रीज। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पोएट्रीज, तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि हमेशा ये जो वर्ब, ये जो नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ पे ये पोएट्रीज लिखना गलत है। चाहे मैंने लिखा हुआ हो लेकिन इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, इसकी जगह क्या आएगा, पोएट्री। तो इस तरह से एरर के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउन के अंदर जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है वो इसी रूल से आता है, ये 100% है। रूल नंबर 3 है कि कुछ नाउन दिखने में तो क्या होते हैं, प्लूरल। प्लूरल मतलब एस या ईएस लगा हुआ, लेकिन हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। जैसे न्यूज, अब न्यूज है तो लास्ट में एस लिखा हुआ, बट होता क्या है, ये सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स जैसे एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट तो एक ही है ये। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और इनिंग्स। अब यहाँ पे लिखा है मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स आर तो आ ही नहीं सकता है, ये तो अपन सब जानते हैं। मैथमेटिक्स के साथ हमेशा इज ही आएगा, तो इसीलिए ये रूल क्या कहता है कि प्लूरल हो दिखते हैं लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन बिल्कुल भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ रूल है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं, दिखते तो क्या है सिंगुलर, लेकिन होते क्या है ये, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, कैटल भेड़ बकरियां, पुलिस पीपल,
चिल्ड्रन और एटसेट्रा। अब तीन एग्जांपल दिए मैंने इसको, तो इसमें इज या आर में से एक चीज करनी है। कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल जैसा कि दिख तो सिंगुलर रहा है लेकिन है क्या प्लूरल, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पलिस इज कमिंग। अब मोस्टली सबको लगता है कि पलिस इज कमिंग ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा पुलिस आर, ग्रामर के हिसाब से यही सही है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो सभी को पता है बट यहाँ पे इस ने आके क्या आएगा आर, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। नेक्स्ट फिफ्थ रूल है हाइफरनेटेड नाउन। अब ये जो हाइफरनेटेड नाउन होता है इसको कहते हैं हाइफन, हाइफन का मतलब होता है डैश, जो वर्ड्स डैश से कनेक्टेड होते हैं वो हाइफन नाउन, हाइफरनेटेड नाउन कहा जाता है। तो हाइफरनेटेड नाउन का यूज जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई विजिटेड अ फाइव स्टार्स होटल। अब यहाँ पे जो फाइव और स्टार्स है ये डैश से जुड़ा हुआ है, मतलब ये हाइफरनेटेड नाउन है, तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे फाइव स्टार होटल। यही समझने की बात है कि फाइव स्टार्स होटल नहीं बोलते, फाइव स्टार होटल बोला जाता है। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज 15 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे जो 15 ईयर्स ना होके 15 ईयर होगा, यही इस रूल का मेन यूज है और ये वाला एयरफोर्स और एलडीसी के परीक्षाओं में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट रूल है इसके अंदर क्या है कि कुछ नाउन जो है अपन बहुत ही गड़बड़ तरीके से यूज करते हैं और उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि ही इज माई कजन ब्रदर या शी इज माई कजन सिस्टर। अब यहाँ पे कजन भी बोल रहे हैं और ब्रदर भी बोल रहे हैं, तो ये दोनों क्या है कि बिल्कुल गलत है। सिर्फ अपन को क्या बोलना है कजन, जैसे ही इज माई कजन या फिर शी इज माई कजन। नेक्स्ट है अपन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं कि वॉट इज योर गुड नेम, मतलब बैड नेम भी है आपका। हिंदी में चलता है कि आपका शुभ नाम क्या है, लेकिन इंग्लिश में वॉट इज योर गुड नेम नहीं बोला जाता, तो इसीलिए सिर्फ आपको क्या बोलना है वॉट इज योर नेम, ना कि वॉट इज योर गुड नेम। नेक्स्ट है फैमिली मेंबर। ऑब्वियसली अपन सब हर एक जना जो हिंदुस्तान में रहता है वो फैमिली मेंबर ही बोलता है कि ये मेरे फैमिली मेंबर है, वो मेरे फैमिली मेंबर है, बट ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये बोलना बिल्कुल गलत है। इसकी जगह अपन बोलते हैं मेंबर ऑफ फैमिली। नेक्स्ट है इंग्लिश टीचर। अगर कोई मेरा स्टूडेंट है वो अपने फैमिली वालों को या अपने फ्रेंड्स को बोलेगा कि ये मेरे इंग्लिश टीचर है, तो ये जो इंग्लिश टीचर है बोलते तो अपन सही है, अपन को बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्या होगा ही इज माय टीचर ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट सेवेंथ रूल है यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन आए और फिर से वही नाउन आए तो हमेशा वो जो नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता ships after ships, तो जहाजों पे जहाज तो आ नहीं सकते, एक एक करके एक शिप आएगी, तो शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। यहाँ पे अगर डोर्स टू डोर्स लगाए अपन तो यहाँ पे एक ही आदमी ज्यादा से ज्यादा डोर पे कैसे हो सकता है, तो ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। नेक्स्ट रूल है कि किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, एस लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा बॉय, तो बॉय को बनाने के लिए क्या लगाएंगे अपन, एस बॉयज हो गया। जैसे मैंने लिखा पेन, तो क्या लिखेंगे पेन्स हो गया। बट कुछ कुछ चीजों के अंदर क्या होता है कि ई एस भी लगाते हैं अपन, तो जिन भी वर्ड्स के लास्ट में ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स या फिर जेड आए तो उनके लास्ट में क्या लगाते हैं ई एस, ताकि वो प्लूरल हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंगो का मैंगोस, बेंच का बेंचेस, ब्रश का ब्रशेस, क्लास का क्लासेस, बॉक्स का बॉक्सेस और बस का बजेस। नेक्स्ट है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में वोवल के साथ में वाय आए तो हम उसका प्लूरल एस लगा के बनाते हैं, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट के साथ में वाय आए तो आई ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है तो सी आई टी वाई, यहां पे क्या है कॉन्सोनेंट और यहां पे क्या है वाय,
तो जब भी कॉन्सोनेंट के साथ वाई आता है तो आई एस लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर ज्यादा सिटी है तो सिटीज हो जाएगा, आई एस लगेगा। लेकिन अगर वोवल के साथ में वाई है तो की का क्या हो जाएगा, की सिर्फ हम ऐसे लगाएंगे। इसी तरह क्राय का क्राइज हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा। जब भी लास्ट में एफ या एफ ई आता है तो उसका जो प्लूरल है वो वी ई एस लगा के बनाते हैं, जैसे नाइफ मतलब चाकू, तो एक नाइफ को तो नाइफ कहेंगे लेकिन ज्यादा हो जाएंगे तो नाइफ्स कहेंगे। एफ ई यहाँ पे हट चुका है और वी ई एस आ चुका है। नेक्स्ट है थीफ, थीफ का क्या हो जाएगा, थीफ्स। लीफ मतलब पत्ती, लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स। ये शेल्फ, शेल्फ का मतलब होता है कि जिसमें अपन किताबें या कपड़े रखते हैं, शेल्फ का क्या हो जाएगा, शेल्फ्स। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11। कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ जब अगर एस लगाते हैं, मतलब जो कंपाउंड नाउन होते हैं जिन्होंने डैश से जो है दो तीन वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं, तो उसके अंदर जो मेन वर्ड होता है उसके साथ जब अपन उसका जब प्लूरल बनाते हैं तो एस का यूज होता है। जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ का क्या होता है, ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट है कमांडर इन चीफ, तो कमांडर यहाँ पे मुख्य शब्द है तो क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ।